हेलो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और कभी मैं मान लो कि 1 महीने या 2 महीने बाद उसको देखता हूं तो लॉस में नहीं प्रॉफिट में मिले। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रांग मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है देखने में तो आप हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हमें आने वाले दिनों में और मोटिवेशन मिले और आने वाले दिनों में और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के दूँ। तो वो स्टॉक यहाँ आपके सामने है दोस्तों, दीपक NTR। ये स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा और बहुत स्पीड से नहीं लेकिन स्मूथली इंक्रीज होगा, लेकिन भाई प्रॉफिट तो आपको बहुत अच्छा देगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए, दो तरीके के स्टॉक होते हैं। एक क्या होता है जो बहुत स्पीड जाता है, ISETC बहुत स्पीड जा रहा है, लेकिन एक स्टॉक क्या होता है भले ही वो थोड़ा टाइम ले लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट तो दे ही के जाता है। ठीक है, तो ये वो स्टॉक है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है दम भर दम भर। अगर एक दो खरीदोगे तो कुछ प्रॉफिट नजर आएगा नहीं, दम भर खरीदो भाई, तब जाके आप अच्छा से अच्छा कम से कम करोड़पति नहीं बन पाओगे, लखपति तो बन जाओगे। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक पे आपको पूरा ध्यान देना। अभी देख लीजिए जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 480 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका देख लीजिए फंडामेंटली आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है और ये स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। देख लो दोस्तों, स्टॉक का ट्रेंड यहाँ से देख लीजिए, जो भी इसका लोवेस्ट प्राइस होगा 215 यहाँ पर बताया जा रहा है और हाईएस्ट प्राइस जो आपको बताया जा रहा है मान लीजिए कि 500 है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेंज है ना बहुत स्पीड है। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है लेकिन आपको बहुत अच्छा स्पीड में जो है प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 1 मंथ के अंदर आपको 22% का रिटर्न दिया। 22% कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं होता। ठीक है, अगर आप बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा 7%, लेकिन ये 1 महीने के अंदर आपको 22% दे रहा है, 22.88 23% के आसपास। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, यहां पर देख लो 123%, बहुत अच्छा दोस्तों, आपका पैसा तो डबल कर ही दिया। अब क्या चाहिए, तो ऐसे स्टॉक क्या आप अपने नजरों से हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो दोस्तों, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट दे रहा है। और ये रहा आपके सामने 5 ईयर का डेटा, मतलब कि 5 साल का डेटा आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक फरवरी यहाँ देख सकते हो 2015 में जनवरी है। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को ये जो स्टॉक है कितने में ट्रेड किया करता था, 63 रुपीज़, ओनली 60, मतलब दोस्तों 50 रुपीज़ का ये स्टॉक आज के डेट में 500 को टच कर दिया। सोच लो, भले ही 5 साल लगे 10 साल लगे लेकिन इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा जल्दी, आपको इतना तो ज़रूर सोचना पड़ेगा। शेयर मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा डुबा देते हैं, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है जो डुबाने वाले हैं, निकालने वाले में से रेशियो बहुत कम है। वही लोग मान लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, 98% लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में डुबा देते हैं, ओनली 2% लोग जो है अपना पैसा बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसे को हम पैसा से नहीं बना सकते, पैसा हम पैसे से नहीं बना सकते, पैसा अपना मार्केट में कैसे बना सकते, पेशेंस से और अपना तजुर्बा से पैसा बना सकते हैं। एक बहुत और बेस्ट एग्जांपल दूं आपको अंबानी जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अंबानी, आपको पता है कि अंबानी जी के पास बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मुकेश अंबानी जी के। ठीक है, तो दोस्तों मुकेश अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो क्या आपने सोचा, उतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ से ही उनको पैसा आता है, तो वो पैसे से पैसा नहीं बना रहे हैं, वो बिजनेस से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि उनका काबिलियत जो है वहाँ पर दिखाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, हालांकि जियो भी इंक्लूडेड है, चलिए वो भी उसमें शामिल है। तो मैं बस आपको बिजनेस मॉडल समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा भाव समझने का कोशिश कीजिएगा, बात पर मत जाइए। ठीक है, तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि आपके पास काबिलियत तो पेशेंस है तो मार्केट में पैसा बना लोगे, तो उसी हिसाब से ये जो स्टॉक है भले ही आपको 5 साल ले चाहे 2 साल ले लेकिन अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है, यहां पर देख सकते हो। अब देख लेते हैं बिजनेस में क्या खामियां हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्वालिटी कैसा है, बिजनेस का क्वालिटी कैसा है, तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ गए, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी फाइनेंशियल ट्रेंड में जो है बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं इसका ट्रेंड कैसा है दोस्तों। तो ठीक है, टेक्निकली अगर देख लेते हैं तो ये जो स्टॉक है बुलिश आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है, मतलब बुलिश बेरिश नहीं है स्टॉक में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिटी कैसा है, तो भाई क्वालिटी तो गुड है,
अच्छी क्वालिटी की कंपनी है भाई, क्वांटिटी के पीछे मत जाओ। आप पीसी ज्वेलरी को मत खरीदो, डीएचएफएल को मत खरीदो, यस बैंक को भी मान लेते हैं, वो भी क्वालिटी वाला आजकल हो चुका है। तो मैं बोलूँगा क्वालिटी वाला खरीदो, क्वांटिटी वाला नहीं। मेरा कहने का मतलब डीएचएफएल पीसी ज्वेलरी ये जितने क्वांटिटी वाले बन चुके हैं, जितने भी, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आपको नेगेटिव बताया जा रहा है भाई, मैं आपसे अवॉइड नहीं कर सकता, सब कुछ दिखाना है। यहाँ देख सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जो है, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इसलिए है कि 50 रुपये का स्टॉक था, दिन प्रतिदिन इसका प्राइस जो है इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज होने का नाम नहीं है। 50 से 500 हो गया तो भाई एक्सपेंसिव तो हो गया ना। हर एक चीज़ आप देख लो धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कंपनी जो है कैसा परफॉर्म किया है आने वाले दिनों में। रिटर्न देख लेते हैं, रिटर्न ओ माय गॉड, बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दिया है भाई, 10 साल का रिटर्न। मतलब आपने अगर 10,000 रुपया भी लगाया होता तो आज के डेट में आप करोड़पति होते, करोड़पति होते भाई, समझ लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जिनसे आप पूछोगे कि भाई आप मार्केट में कितने दिनों से काम कर रहे हो, कोई ऐसे बोल देगा यार तब तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था, 20 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ, अब मेरा जो एज है 60 ईयर्स का है, मैं मार्केट में काम करते करते मेरा पूरा लाइफ चला गया लेकिन पैसा नहीं बना। अरे भाई आपका लाइफ तो चला गया, लेकिन वॉरेन बफेट सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाते थे, स्टॉक को ढूंढने में। लेकिन हम सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ लगाते, कौन से स्टॉक पे पैसे लगा, अरे भाई इसमें डालो उसमें डालो, वो बढ़ रहा वो घट रहा। तो यही चीज होती है, एक बार अपने गोल को मतलब देख लो कहां पर है, उसके बाद आप डायरेक्शन के पीछे भागो यार। गोल मतलब कि देखो आप गोल गोल घूम के जाओगे, ठीक है, राउंड मार मार के तो वो सही नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट देखो आपका गोल क्या है, डायरेक्ट अचीव करो, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो अगर आपने 10 साल तक एक ही स्टॉक में पैसा लगाए रहते ऐसे कंपनी में, तो करोड़पति तो बन जाते हो, जो हिसाब से यहाँ पर आपको रिटर्न दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसका बाद 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर का भी रिटर्न बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं बैंकों से, तो दोस्तों बैंक में भी 2 साल में पैसा रखने से कुछ नहीं मिलेगा, 1 साल में तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में भी अच्छा रिटर्न दिया है, 6 मंथ में भी आपको 75% का रिटर्न दिया, और क्या चाहिए भाई। आज के डेट में देख लो, 1 डे के अंदर भी देख लो 1% नहीं दिया है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। तो भाई आप सोच लो, डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, मर्जी आपका है, डीमेट अकाउंट आपका है, ठीक है, फैमिली आपका है दोस्तों, फाइनेंशियल कंडीशन आपका है। देखो आपको भी थोड़ा थोड़ा जो है सोच के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा लगाना आसान होता है, दिमाग लगाना आसान नहीं होता, पैसा लगाना आसान होता है, दिमाग लगाना आसान नहीं होता। तो अगर पहले दिमाग लगा लोगे ना, उसके बाद पैसे लगा लोगे, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा चला ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले अगर पैसा लगा दो बाद में दिमाग लगाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पैसा लगाया और पैसा डूब गया, उसके बाद दिमाग लगाया होता, अरे यार ये स्टॉक में मैं पैसा लगाया होता ना, तो आज के डेट में मेरे पास इतना पैसा होता, गलती कर दी ना, गलती करने के बाद सोचने से क्या फायदा, पैसा तो डूब गया। अब जिस इंसान ने पहले दिमाग लगाया होगा कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊं, कौन से स्टॉक में पहले ढूंढ लेता हूं चेक कर लेता हूं, उसके बाद अगर वो पैसा लगाया होता तो देखो बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट मिला होता। तो ये होती है काबिलियत दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको मेरे कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ बड़े लोग भी हैं कुछ छोटे लोग भी हैं, इसलिए मैं माफी मांग ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम दोस्तों एक क्वार्टरली इसका जो रिजल्ट देख लेते हैं, हाफ ईयरली का, ठीक है, आधे साल में 6 मंथ के अंदर इन्होंने क्या किया, 2018 2019, ठीक है, 2018 में देख लेते हैं दोस्तों, 2019 यहाँ पर, ठीक है, नेट सेल्स, नेट सेल्स में कितना था यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले 2018 में 853 के आसपास था, ठीक है, 2019 में कितना है नेट सेल्स, तो 938 था, कुछ ग्रोथ हुआ, हाँ भाई ग्रोथ हुआ, ठीक है, 6 मंथ का अंदर जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ 9% के आसपास, ठीक है। अब 2018 में देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना था, तो भाई 49 था, ठीक है, 49 था, जस्ट 49 था। 2019 में देख लेते हैं कितना था, तो 88 हो गया, मतलब 90 हो गया, समझ लो डबल होने वाला था, 6 मंथ के अंदर डबल होने वाला था, और यहां पर देख लो 76% है, तो देखो भाई बहुत अच्छी बात है ना, डबल होने वाला था, मैंने बोला डबल होने का मतलब, यहाँ पर देख लो मान लेते हैं कि ये 50 है, 49.85 है, तो मान लेते हैं कि 50 है, और उसके बाद यहाँ 88 है, मान लेते हैं कि 90 है, तो 3 रुपीज़ ही तो बच गया ना, तो जो 10-12 बचा उसी को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 76%। तो ग्रोथ तो भाई कंपनी अच्छी कर रही है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं बोलूंगा हिसाब से रखिए, जितना लंबा आप रखोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, सोच लो, ठीक है। अगर आप डेली खरीदोगे बेचोगे तो ब्रोकर को प्रॉफिट मिल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज शाम को मैं एक ऐसा वीडियो स्टॉक डालने वाला हूं जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट भाई होगा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।